और ये यहाँ पे ये देखो ये स्कूटर लेके भैया सही एंजॉय कर रहे हैं लोग, वो गिर गई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी मैं चल रहा हूँ अटलांटा डाउनटाउन में आप लोगों को डाउनटाउन दिखाने के लिए। और मेरी जो लास्ट वीडियो थी मैंने यहाँ पे बनाई थी अटलांटा में, जो बहुत ही खूबसूरत सा टेम्पल है। अगर आपको ये देखना है तो मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। और जो वैन का है मैंने लास्ट वीडियो में नाम रख दिया था बसंती, तो वैन का ऑफिशियली नाम बसंती हो गया है। तो हम सब लोगों की हो गई है बसंती। तो वो जो सामने दिख रहा है ना वो है डाउनटाउन अटलांटा का, यहाँ से जो फर्स्ट लोकेशन है ना हम लोग जा रहे हैं कोको कोला का म्यूजियम। और वो मेरे लिए ना बहुत ज्यादा स्पेशल है, और जब आप लोगों को पता चलेगा ना मेरे लिए क्यों स्पेशल है तो आप लोगों के लिए भी स्पेशल हो जाएगा। यहाँ की जो रोड है ना इतनी ज्यादा खराब है, मेरी पूरी बॉडी शेक हो रही है, पूरी वैन शेक हो रही है। तो अब आप लोग को एक चीज मैं दिखाता हूँ, वहां देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना वन वे, जो आप लोगों को वन वे दिख रहा है वहां से। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग यहाँ पे आते हैं ना डाउनटाउन में, अमेरिका के जो डाउनटाउन होते हैं ना काफी बिजी होते हैं, जैसे अभी आप देख रहे हो कितनी कार जा रही हैं, और इन्होंने ना वन वे बनाए हुए होते हैं मोस्टली डाउनटाउन में, तो लोग गलत घुस जाते हैं। अभी जैसे मैं जिस लाइन में हूँ ना ये वन वे है, सिर्फ मैं सीधा जा सकता हूँ, बट कभी कभार क्या होता है गाड़ी वाले जो आ रहे होते हैं ना वो इस तरफ मुड़ जाते हैं। वो इसलिए मुड़ते हैं कि वो है ना मैप यूज नहीं कर रहे होते हैं। तो इसीलिए अगर आप कभी भी अमेरिका में ट्रेवल कर रहे हो ना कहीं पे भी, और आपको पता है रास्ता यहीं पे ही है, उसके बावजूद भी आपको मैप यूज जरूर करना है। अगर आप मैप यूज करेंगे तो आप कभी भी किसी भी गलत डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, स्पेशली डाउनटाउन एरिया में। ये स्लोप देखो कितना डाउन है। यहाँ के यार रोड बहुत ही ज्यादा खराब है, जब से पूरी वैन है ना शेक हो रही है, पूरे डाउनटाउन का रोड खराब था। बट डाउनटाउन बहुत ब्यूटीफुल है, रोड पे इन्हें काम करने की यहाँ बहुत जरूरत है। तो फिलहाल मुझे लकली यहाँ पे पार्किंग तो मिल गई है, पार्किंग मीटर है। जाने से पहले ना मैंने पूरा पर्दे को कवर कर दिया है, और ये यहाँ से जो भी सामान वगैरह था हटा दिया है, एक सिर्फ चार्जर को छोड़ के। स्पेशल यहाँ आया पार्किंग लगाने के लिए, उसका रीजन ये है मैं यहाँ पे अटलांटा में बहुत बार आ चुका हूँ, और एक बार मैं यहाँ पे बहुत लंबे टाइम तक रुका हुआ था, तो मैं हमेशा यहीं पर ही पार्किंग लगाता था। और इसी के पास में है ना उस तरफ में है कोका कोला म्यूजियम, तो हम लोग वॉक करके चले जाएंगे। $2 है एक घंटे के लिए, और मैक्सिमम 4 घंटे आप कर सकते हो। यहाँ पे पार्किंग हो गई है कंप्लीट, अब मुझे आ जाना है यहाँ पे 5:33 पे। बहुत सारी यादें ताजा हो रही हैं, एक तो मैं अटलांटा में दोबारे आया हुआ हूँ, मैं हर साल में यहाँ पे ना 2-3 बार आता था, यहाँ पे मेरे थोड़े काम वगैरह होते थे। के सामने ना बहुत ब्यूटीफुल सा पार्क है जहाँ पे अभी हम लोग वॉक करेंगे। तो वहां से मैंने अपनी वैन पार्क की थी, और ये यहाँ से मैं चलते हुए आया हूँ आप लोगों को ये एक बढ़िया सी लोकेशन दिखाने के लिए। ये है सेंटेनियल ओलंपिक पार्क, और ये जो आप पार्क देख रहे हो ना ये पार्क है 22 एकड़ में पार्क बना हुआ है। और इस पार्क के ना चारों तरफ आपको वो हर चीज दिख जाएगी जो एटलीस्ट आप लोग देखना चाहते हैं, एक दिन में जो कवर करना चाहते हैं। 1996 में है ना यहाँ पे ओलंपिक हुआ था, इसीलिए ज्यादातर है ना इस पार्क के चारों तरफ आप लोग को ओलंपिक की बहुत ज्यादा थीम देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे आज तक कभी ओलंपिक हुआ नहीं है, बट इन्होंने जब ओलंपिक हुआ था ना तो यहाँ पे इन्होंने बहुत ही यूनिक चीजें बनाई थी, क्योंकि इनको पता था पूरी दुनिया से लोग आएंगे, तब से ही ये जो सिटी है ना काफ़ी ज़्यादा बड़ी सिटी बन गई। और ये यहाँ पे ना फेयर्सविल है जहाँ पे मैं सबसे पहले जा रहा हूँ, इसके बाद मैं अपनी फेवरेट लोकेशन पे जाऊँगा जहाँ पे कोका कोला का म्यूजियम है। ओह या श्योर टूरिस्ट, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट अटलांटा? आई थिंक इट्स कूल। यू थिंक इट्स कूल? या इट्स बिग, इट्स बिजी। उत्तरमा मेरे से पूछी थी कि आप मेरी फोटो ले सकते हैं, तो मैंने उनकी काफ़ी सारी फोटो ली। तो जब मैं दूर खड़ा हुआ था ना तो ये फाउंटेन चल ही जा रहा था, जब मैं पास आके इसकी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये चल नहीं रहा है। There's museums, there's an aquarium. Uh-huh. There's six flags. Six flags. That's an amusement park. I mean, we college students, so we go to college parties. तो यहाँ पे मैं लोकल से बात कर रहा था, यहाँ पे बता रहे थे मेरे को कि आप क्या क्या चीजें देख सकते हो। तो इसी तरीके से जब ट्रेवल करते हो ना तो बहुत सारे लोकल मिलते हैं जो आप लोग को गाइड कर देते हैं कि आप कौन कौन सी अच्छी लोकेशन है और वहाँ जा सकते हो। तो भाई लोग बता रहे थे कॉलेज स्टूडेंट है, और कह रहे थे कि यहाँ की नाइट लाइफ बड़ी ज़बरदस्त है, तो यहाँ पे अगर आप नाइट में क्लब वगैरह जाते हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मैंने बोला कि फ़िलहाल तो मैं
क्लब नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मुझे 50 स्टेट्स में ट्रैवल करना है, तो मेरे को आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और ये यहाँ पे देखो, ये स्कूटर लेके भैया सही एंजॉय कर रहे हैं लोग, वो गिर गई। यू ओके? रिलैक्स, वेलकम। अभी वो लड़की बेचारी गिर गई थी स्कूटर पे, तो मैं उसकी हेल्प कर रहा था थोड़ा सा उठाने में, तो कह रही थी कि थैंक यू सो मच, कह रही मैं थोड़ा तेज चला रही थी, तो मैं बोला थोड़ा ध्यान से चलाओ यहाँ पे। एक्चुअली बिल्कुल मेरे सामने से जा रही थी, मैं डर भी गया था उस टाइम, मेरे को ही टक्कर मारने वाली थी। तो ये यहाँ का फेयर्स व्हील, तो ये इतना मतलब बड़ा फेयर्स व्हील नहीं है, इससे बड़ा जो फेयर्स व्हील है ना, सबसे बड़ा जो अमेरिका के अंदर फेयर्स व्हील है ना, वो है वेगस में, और उसके बाद जो दूसरा है ना 400 फीट, वो है भैया ओरलैंडो में। तो इसको थोड़ा सा पास से जाके देखते हैं, पहले सड़क क्रॉस कर लें कि कोई आ तो नहीं रहा। वेलकम टू स्काई व्यू अटलांटा। तो ये स्काई व्यू ऑफ अटलांटा, और एक है वहाँ पे ओरलैंडो आए, जहाँ पे मैं, आप लोगों को पता है मैं फ्लोरिडा ओरलैंडो में रहता हूँ, तो वहाँ पे ओरलैंडो आए है। तो ये पता नहीं कितने फीट है, इन्होंने अगर लिखा होगा तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। 200 फीट फेयर्स व्हील है। ओरलैंडो के अंदर जो कैबिन है ना, उसके अंदर भैया सब कुछ सर्व करते हैं, ड्रिंक वगैरह, बियर वगैरह हर चीज सर्व करते हैं, और एक ही उसके अंदर कम से कम 10 लोग आराम से बैठ सकते हैं, और बहुत धीरे चलता है उसका टोटल राउंड जो होता है ना, मतलब आधे घंटे का होता है। ये काफी तेज चल रहा है, बट ये भी बहुत ब्यूटीफुल है, यहाँ से मुझे पता है बहुत अच्छा व्यू आएगा इधर पूरा पार्क का, और सामने का स्काई व्यू बहुत अच्छा आएगा। तो ये वो लोकेशन है, यहाँ पे भी मैं कुछ महीने पहले आया था, और ये यहाँ पे मिस्टर डेरिक के साथ मैंने वीडियो भी बनाई थी, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पे देखी होगी, तो मैंने नाइट लाइफ दिखाई थी उसमें थोड़ी अटलांटा की। वहाँ से मुश्किल से मैं 5 मिनट चला हूँ, और ये हम लोग आ गए हैं कोको कोला म्यूजियम में। तो पहले मैं सड़क क्रॉस कर लूँ, बड़ी तेज गाड़ियाँ यहाँ पे लोग चला रहे हैं। अभी मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ ना, यहाँ से मेरी बहुत सारी यादें जो हैं ताज़ा हो जाती हैं। ये वो लोकेशन है जहाँ से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, यहाँ पे मैंने आगे अपनी फर्स्ट व्लॉगिंग की थी। मैं एक्चुअली अटलांटा बहुत बार आ चुका हूँ, तो मैं जब ये यहाँ पे आया था, तो मैं सोचा चलो मैं आप लोगों को अमेरिका घुमाना स्टार्ट करता हूँ। तो मेरा जो स्टार्टिंग व्लॉग था ना, वही मेरा ट्रैवलिंग से ही चालू हुआ था कि मैं आप लोगों को ट्रैवल करके दिखाऊंगा, और मैंने सोचा नहीं था कभी कि मैं 50 स्टेट्स ट्रैवल करूंगा आप लोगों को दिखाने के लिए। और आप लोगों की प्यार की वजह से आज मैं वहीं खड़ा हुआ हूं जहां से मैंने पहली अपनी व्लॉगिंग करना चालू किया था, और आज देखो कि मैं 50 स्टेट्स घूम रहा हूं। और अगर ऐसे ही आप लोगों ने साथ बना के रखा ना, तो पूरी दुनिया हम लोग घूमेंगे साथ में। तो ये जो कोको कोला म्यूजियम है ना, मैं इसके अंदर गया था और मैंने पूरा टूर दिया था, और मैं खुद इतना ज़्यादा सरप्राइज हो गया था जब मैं अंदर गया था, तो वहाँ पे एक हिंदी की जो है ना बुक रखी हुई थी छोटी सी, और कोको कोला म्यूजियम के बारे में बता रहे थे, और मुझे सही में इतना अच्छा लगा। मैंने सोचा कि वाह यार, मतलब कि अमेरिका के अंदर हिंदी की मतलब आपको एक बुक दिख रही है, एक पंपलेट सा दिख रहा है जिसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, और अंदर है ना वॉल के ऊपर जो इंडिया की जो पोस्टर होते थे ना पुराने वाले कोको कोला की, जो एडवर्टाइजमेंट के, वो लगे हुए थे। तो बहुत अच्छा मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस था, और मैंने वो आप लोगों से शेयर किया था, शायद उसी की वजह से आज मैं आप लोगों के सामने दोबारा यहाँ पे खड़ा हूँ। यहाँ पे ना एक फ़ोटो खींचना ज़रूर बनता है, और यहाँ पर मैं एक इंस्टाग्राम के लिए रील भी बनाऊँगा, और अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, तो इंस्टाग्राम शंटी ड्रीम्स करके हमेशा मैं वहाँ पे लाइव अपडेट डालता रहता हूँ, तो इसकी रील देखना मत भूलना इंस्टाग्राम पे। वहाँ पे खड़ी हुई अपनी वैन, सही सलामत लग रही है, बट ये यहाँ पे ना अटलांटा में भी बहुत चोरी वगैरह होती हैं, तो इस वजह से आप कभी भी आ रहे हो ना, याद रखना जो आपकी कार है ना, उसके ऊपर की तरफ में कहीं पे भी कोई मोबाइल नहीं, कोई वॉलेट नहीं, कोई मनी नहीं, कुछ भी ऐसी एक्सपेंसिव चीज़ मत छोड़ना। मैं तो ये बोलूँगा हर चीज़ हटा दो वहाँ से, आप अमेरिका में कहीं पे भी घूम रहे हो, क्योंकि यहाँ पे चोरी होती है, लोगों को पता नहीं है, वो सोचते हैं अमेरिका में आ रहे हैं, बट यहाँ पे सेफ्टी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टाइम हो गया, अब निकलते हैं दूसरी लोकेशन की तरफ। को एक ऐसी जगह ले जा रहा हूँ अटलांटा की, जो कि इतनी पॉपुलर है ये ग्रेफिटी आर्ट्स के लिए स्टार्ट होती है, अब आप लोगों को मजा आ जाएगा। ये देखो भैया आर्ट, तो ये जो आप वॉल देख रहे हो कितनी लंबी जा रही है, अभी पूरा हम लोग ड्राइव करेंगे, तो ये देखो।
तो जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ ना तो कुछ ना कुछ यूनिक देखने को मिलता है यहाँ पे। एक से एक खतरनाक आर्टिस्ट आते हैं भैया यहाँ पे। और अभी है ना यहाँ से हम लोग वॉक करेंगे, इसके अंदर से अभी हम लोग ड्राइव करके आए थे ना, अब हम लोग वॉक करेंगे। और बताना मुझे कि अंदर से जो अभी हम लोगों ने वॉक किया आप लोगों को कैसी लगी। आर्ट देख रहे हो ना बनी हुई है, इन सबका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। जैसे कि एक इसी को लगा लो, अभी आपको दूर से क्या दिख रहा है, एक स्माइली फेस दिख रहा है ना, बट पास आओ तो मैं आप लोगों को बताता हूँ ये है क्या। अब देखो आपको एक कार अंदर से जाती हुई दिख रही है, तो ये जिसने बनाई है, जो मुझे समझ आया, हर बंदा अपने नज़रिए से देखता है जब भी इस तरीके की आर्ट देखता है, बट ये जो मुझे समझ आया ना, उस बंदे ने एक स्माइली फेस बनाया है और उसके अंदर पूरी सिटी बना दी है, डिज़ाइन की है, घर है, कार जा रही है, रोड है, पेड़ है, सब चीज़ें दिखाया और स्माइली फेस। तो उसने दिखाया कि हैप्पी सिटी अटलांटा, अगर ये अटलांटा वो शो करना चाहते तो अटलांटा इज़ हैप्पी सिटी। तो इस तरीके से सब अपने अपने नज़रिए से देखते हैं पेंटिंग। तो ये मेरा नज़रिए था, आप लोग कमेंट करके बताओ आप लोगों ने जब ये देखा है तो आप लोगों को क्या दिखा है। जैसे मेरे को दिखा हैप्पी सिटी, आप लोगों को क्या दिखा है। मैं यहाँ पे अभी वॉक करके ना काफ़ी फ़ोटो वगैरह खींचूंगा जो कि मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगा। अगर आप लोगों को वो फोटोएँ देखनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे देख सकते हैं। तो चलो दोस्तों इस वीडियो में इतना था, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। फिर जल्द मिलते हैं हम लोग किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, बिलीव इन योर सेल्फ, मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। आई लव यू दोस्तों, बाय, टेक केयर। ये जो आंटी जी हैं, इन्होंने भैया आंखें क्यों ढकी हुई हैं।